गठबाजी तो हमारे समाज में तो है ही नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो संगठन तो हर तरह के हर समाज में रहते हैं, संगठन ये कोई गठबाजी नहीं होती है। तेली समाज में गठबाजी बिल्कुल नहीं है, तेली समाज एक ही है और एक ही रहेगा। महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या ह्या आजच्या उद्याचा होणारा जो मोठा कार्यक्रम आहे पदाधिकारी निवड कार्यक्रम, ह्या कार्यक्रमासाठी आपण आज इथं जी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतो आहे, खरं जर सांगायचं म्हटलं तर तळागाळातील व्यक्ती जी असेल, जी तेली समाजाची तळागाळातली व्यक्ती असेल, जी गोरगरीब असेल, ह्या गोरगरिबासाठी काम करणारी आमची संघटना जी माननीय तडसाहेबाच्या अध्यक्षतेखाली आज आम्ही महाराष्ट्रभर काम करतो, आणि ह्या महाराष्ट्रात असलेला तेली समाज हा विखुरलेला समाज आहे, त्याला जोडण्याचं काम, त्याला एकत्र आणण्याचं काम, त्याच्या ज्या त्याच्यासाठी भिडसवणारे जे प्रश्न असतील, जे खूप त्याला दैनंदिन अवस्था करून सोडणारे असतील, अशासाठी आम्ही खूप चांगल्या प्रकारे काम करतो। आणि खरं जर बघितलं तर त्यांच्या ओबीसी प्रश्न असतील, त्यांचे वेगवेगळे प्रश्न असतील, ह्या प्रश्नावरती आमचे वेगवेगळे आंदोलन असेल, वेगवेगळे कार्य असेल, हे आम्ही आमच्या अध्यक्षते खाली आम्ही आमच्या संघटनेच्या अध्यक्षखाली संघटनेच्या पदाधिकारी प्रत्येक कामावरती नजर ठेवून असतात, आणि त्या कामासाठी ते मोठ्या तत्परतेनं काम करतात आणि महाराष्ट्र लेवल मोठ्या प्रमाणात काम करतात। आणि ही संघटना उद्या चालून महाराष्ट्रामध्ये जो ओबीसी समाज आहे त्याला प्रत्येक ठिकाणी त्याला खाली बघावं लागतं, हे काम आम्ही करू देणार नाहीत। आणि आम्ही आमच्या ह्या वाचावरती नक्कीच आम्ही चांगल्या प्रकारे काम करू, अशी आम्ही सगळ्या तेली समाजांना ग्वाही करतो। आणि उद्याच्या कार्यक्रमासाठी सगळ्यांना आवाहन करतो की ते नियुक्तीपत्र जे आम्ही वाटणार आहेत, चांगले चांगले लोक, चांगले चांगले समाजातील वरिष्ठ लोक असेल, अशा नियुक्तीमार्फत म्हणजे तळागाळातल्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तो एक चांगला दुवा ठरेल अशी आमची अपेक्षा आहे। आणि अपेक्षा नक्कीच पूर्ण होईल आणि पूर्णत्वास आम्ही घेऊन जाण्यासाठी सक्षम आहेत, आणि ह्या मार्फतच आम्ही हा मेळावा आयोजित केला आहे। धन्यवाद सर। आपको कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता है कि तेली समाज ने बहुत देर कर दी मीडिया के सामने आने, जब उन्हें लग रहा है कि हमारे आरक्षण को धक्का लगेगा तभी जो है तो आगे बढ़ रहे हैं? 100% सर। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम जो करना चाहिए जिस टाइम पे होना चाहिए वो चीज़ हमारे तेली समाज में होती नहीं, इसकी वजह से हमको ये संगठना पूरी तरीके से हम ये पूरी ताकत से पूरी जोर से हम इसके ऊपर उतरे हैं। और आगे आने वाले जो भी समाज में जो तेली समाज हो चाहे ओबीसी समाज हो, ओबीसी समाज के जो भी प्रश्न होंगे वो हम निकालने की कोशिश करेंगे, वो नक्कीच उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। ये कह सकते हैं हम कि ये तुम्हारे हक की लड़ाई है, आरक्षण बचाने की लड़ाई है? 100% हमारे हक की लड़ाई है और हम लेके रहेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो जो समाज के लिए जो चीज मिलना चाहिए, जैसे आरक्षण हो, चाहे उसका राजनीतिक आरक्षण हो, वो अभी जो खींचा गया राजनीतिक आरक्षण जो बंद कर दिया, वो एक्चुअल में हमारा आरक्षण हमको मिलना चाहिए, वो हमको आरक्षण कभी नहीं मिलेगा, इसके ऊपर हम पूरी तरीके से हम उतरेंगे, रोड के ऊपर उतरेंगे, हमारा आंदोलन छड़ा रहेगा। जब तक हमारा आरक्षण हमको मिलेगा नहीं तब तक हमारा आंदोलन पीछे होगा नहीं, इस तरह से हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर मेरा सवाल एक ऐसा है, मुझे लगता है आप खुल के बताएंगे, जैसे हिंदू समाज ने आरक्षण मांगना शुरू कर दिया उसके बाद में सब समाज के जो है तो लोग उठना शुरू हो गए, चाहे वो मुस्लिम हो, ओबीसी हो, बंजारा हो, जो भी है, तो क्यों ऐसा आपको डर लग रहा है अगर हिंदू समाज को अगर आरक्षण मिलता है तो हमारा आरक्षण कट हो जाएगा? नहीं, हमको डर लगता नहीं, हमारा जो आरक्षण है हमारे गवर्नमेंट ने हमको पहले दे चुके हैं, संविधान में लिखा चुका है हमारा आरक्षण जो भी है, वो हमारा आरक्षण है, उसको तो हाथ लगाने वाली बात ही नहीं आती। एक्चुअल में हमारा जो आरक्षण है उसी में से कट किया जा रहा है, हमारा आरक्षण जो है वैसे ही रहने दे, बाकी जो लोगों को आरक्षण देना है, जो कोई भी मराठा समाज हो चाहे धनगर समाज हो, जो भी समाज है उनको भी उनकी लड़ाई उनकी सफल होना चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि महाराष्ट्र में हो चाहे इंडिया में हो, हर जिसकी उसकी जो जो तरतीब है उसको मिलना चाहिए, या उसका आरक्षण उसको मिलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए या ओबीसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी का जो आरक्षण है उसको हाथ न लगाए और वो आरक्षण मराठा समाज को भी मिल जाए, मतलब दोनों का भी प्लान अच्छा सा हो, उनको भी उनके बाल बच्चे वो सर्विस में लगे, अच्छे एक्टिविटी में जाए, उनके बाल बच्चे आगे बढ़े, और उसके साथ साथ में हमारा जो आरक्षण है जो हम जिसके ऊपर काम करते हैं आज से 50 साल पहले हमको जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण हमारा टिका रहना चाहिए, हम उसको कोई भी हाथ ना लगे, ये गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसे नहीं लगता कि अगर एक होकर लड़ेंगे
तो ज्यादा ताकत मिलेंगी। अभी हम देख रहे तेली समाज में काफी गुट बन चुके अलग अलग तरह के, तो ये वजह इसकी वजह क्या है? नहीं, गटबाजी तो हमारे समाज में तो है ही नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो संगठन तो हर तरह के हर समाज में रहते हैं, संगठन ये कोई गटबाजी नहीं होती है। तेली समाज में गटबाजी बिल्कुल नहीं है, तेली समाज एक ही है और एक ही रहेगा। अभी आपके समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ औरंगाबाद में, वहाँ पे आप मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मौजूद हमारे हर तरह के से हमारे जो पदाधिकारी कोई भी कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। हमारा एक संगठन है और संगठन के अनुसार हम सब मिला के काम करते हैं। आरक्षण का मतलब आएगा तो दोनों संगठन एक होकर काम करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में तेली समाज एक ही है और एक ही रहेगा। ये लिखने में हमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि तेली समाज एक है और एक होकर लड़ रहा है? यस यस, कोई आपत्ति नहीं। आपका परिचय दे दीजिए। मैं विभागीय प्रमुख जो महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक सभा से माननीय नीलेश सोनौने सर आपके सामने जो दरख्वास्त किया है वो बिल्कुल सही है। जी, एक आखिरी सवाल रह गया, जो आप प्रोग्राम देने वाले का उसका उद्देश्य क्या है? वो थोड़ा सा जो कल का प्रोग्राम है 25 तारीख का, उसमें हमको जो पदाधिकारी हमने चयन किए हैं, वो पदाधिकारी निवड़ है, वो जो निवड़ है उनको जब चयन किया जाता है तो उनके ऊपर एक जवाबदारी दिया जाती है। वो जवाबदारी उन्होंने अच्छी तरीके से पार किया जाए, क्योंकि हम जो नीचे लेवल का जो भी तेली समाज का जो भी कार्यकर्ता रहेगा उसके पास जाके हमारा संदेश उसके पास पहुंचे, इसकी वजह से हम वो जवाबदारी उनके ऊपर देना चाहते हैं। तेली समाज को एक करने में तेली समाज में उनका अहम कार्य रहेगा, यही एक कहना चाहते हैं। और कल का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हम प्लान कर रहे हैं और जो कि तेली समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है।